हाय एवरीवन, अब हम स्टार्ट करें एक और नया चैप्टर दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, नॉर्मल डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा आई से टिपिकल चैप्टर है क्योंकि इसके बारे में पहले कभी पढ़ा नहीं होता है, लेकिन बहुत ईजी है। आई कम्प्लीटेड आई गेस 10 मिनट में, बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, आ जाओ। तो अब मैंने दो अलग अलग अंडरलाइन किया अलग अलग कलर से, एक फॉरेन एक्सचेंज को, एक फॉरेन एक्सचेंज रेट को। ठीक है, तो दोनों समझते हैं। पहले तो फॉरेन एक्सचेंज होता है कि डोमेस्टिक करेंसी के अलावा जो भी और करेंसीज होती है ना, उनको फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। सिंपल कि रुपीस के अलावा जो भी डॉलर, पाउंड, येन, ये सब फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसी है ये। ठीक है, और दूसरा टर्म जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आप दो करेंसीज को एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, अब डॉलर और रुपी, $1 और ₹1 सेम प्राइस का नहीं होता है ना, है ना। राउंड अभी शायद 78-79 चल रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे को $1 देना है, मतलब $1 अगर मेरे को लेना है, तो मेरे को अराउंड ₹80 देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि किस रेट पे दो डिफरेंट करेंसीज को एक्सचेंज किया जा सकता है। अब इसमें ना दो कंसेप्ट आते हैं बहुत मेजर वाले, एक है करेंसी डेप्रीसिएशन, दूसरा है करेंसी एप्रीसिएशन। मैं एक समझाऊंगी, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले तो हम लेते हैं एग्जाम्पल इसमें। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है जो पिंक से लिखा है, ये एग्जाम्पल वाला पार्ट है। पहले एग्जाम्पल से करते हैं, फिर थ्योरेटिकल पे चलेंगे। ठीक है, अगर पहले मेरे को $1 ₹60 में मिल रहा था, और अब 2 साल बाद में भी कि मेरे को $1 ₹80 में मिल रहा है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि रुपीस डेप्रिशिएट हुआ है या अप्रिशिएट हुआ है ना। हमको दिख रहा है कि 60 का 80 हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू वाइज बढ़ा है, लेकिन उस रुपी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स कितनी है, उसके टर्म्स में तो घटी है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी में, कि अगर मान लो एक पेन ₹20 का है, पहले मेरे को $1 में 3 मिल रहे थे, पहले मेरे को $1 में 3 पेन मिल जा रहे थे, और अब मुझे $1 में 4 मिल रहे हैं। तो अब समझ आया कि रुपी हुआ है डेप्रिशिएट और डॉलर हुआ है अप्रिशिएट। ठीक है, ये अप्रिशिएट, अगर एक डेप्रिशिएट होगी दूसरी अप्रिशिएट होगी, ये साइड बाय साइड चलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रुपी की वैल्यू कम हुई है, पहले मेरे को 3 मिल रहे थे, मेरे को 4 मिल रहे हैं, तो रुपी की वैल्यू कम हुई है। रुपी की न्यूमेरिकल वैल्यू भले ही बढ़ी हो, रुपी की वैल्यू कम हुई है, इतना समझना चाहिए बस। ठीक है, रुपी की वैल्यू कम हुई है इसलिए डेप्रिशिएट हुआ है, कि कंपेरेटिवली डॉलर इज़ ज़्यादा वैल्यूएबल, कि मेरे को $1 में ₹80 मिल रहा है, पहले मेरे को $1 में 60 मिल रहे थे सिर्फ, तो वैल्यू वाइज डॉलर बढ़ा है, रुपी कम हुआ है, तो रुपी हुआ है डेप्रिशिएट, डॉलर हुआ है अप्रिशिएट। ये हमेशा साइड बाय साइड चलेंगे, ये याद रखना बस। ठीक है, अब ये तो न्यूमेरिकल हो गया। अगर थ्योरेटिकली हम इसको समझना चाहें तो क्या करेंगे, ये ना 4 मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो कहीं पर, क्योंकि क्वेश्चंस में हमेशा यही 4 टर्म्स आते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। वो आपको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि रुपी अप्रिशिएट हुआ है, डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है, ये येन का एप्रिसिएशन है, नहीं लिखेंगे वो, ये लिखेंगे और आपको समझना है कि एप्रिशिएट हुआ है या डेप्रिशिएट हुआ है। ये 4 टर्म्स प्लीज़ या तो आप याद कर लो या कहीं नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इन्होंने बोला है प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज्ड, प्राइस, ये पूरे सारे डेप्रिसिएशन के 4 मैंने बताए हैं, इसी का उल्टा कर दोगे तो एप्रिसिएशन के बन जाएंगे। आप बस एक याद कर लो, अप्रिसिएशन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अगर प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज्ड तो ये डेप्रिसिएशन का केस है, प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज डेप्रिसिएशन का केस है, फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज डेप्रिसिएशन का केस है, एंड एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज। ठीक है, प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज, यहाँ $1.60 $1.80 हो गया, तो प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, ये हिडन चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, तो प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज, ये हमको समझ में आ रहा है, न्यूमेरिकली डिक्रीज नहीं हुआ है, हम वैल्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देन एक्सचेंज रेट इंक्रीज, फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि दोनों को एक्सचेंज पहले 60 में हो जा रहे थे, अब 80 में हो रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज, और एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज। ठीक है, सेम बात है, थोड़े डिफरेंट वे में लिखे जाते हैं इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है, बस इनको आप याद रख लेना। ठीक है, तो ये सब डेप्रिसिएशन का केस। अब डेप्रिसिएशन को फर्दर इसको समझें तो फॉरेन करेंसी यहाँ पर मोर वैल्यूएबल हो गई। ठीक है, डॉलर ज़्यादा वैल्यूएबल है, डॉलर इज़ मोर वैल्यूएबल है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रुपी, क्योंकि हमको $1 लेने के लिए अब ज़्यादा रुपीस देने पड़ेंगे, है ना। हम वो $1 लेना है तो पहले हम 60 दे रहे थे, अब हमको 80 देना है, तो वही एक सेम डॉलर लेने के लिए हमको अब ज़्यादा पैसे देने हैं, तो डॉलर ज़्यादा सुपीरियर हो गया है, रुपी कम हो गया है। ठीक है, तो इसमें मोर डोमेस्टिक करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय फॉरेन करेंसी बिकॉज डोमेस्टिक करेंसी रिलेटिवली चीपर हो गई है, रिलेटिवली चीपर। ठीक है, कि $1 में अब हम ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं, तो रिलेटिवली चीपर हो गया डोमेस्टिक करेंसी। इसका मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इकोनॉमी पे, ये तो चलो समझने वाली बात हो गई। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब क्योंकि डॉलर्स, एक डॉलर से वो ज़्यादा सामान ले सकते हैं इंडिया में, तो ऑब्वियसली वो इंडिया से ज़्यादा सामान लेंगे। इंडिया से ज़्यादा सामान लेंगे तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, इम्पोर्ट कम हो जाएगा। ठीक है, वो लोग इंडिया से ज़्यादा सामान लेंगे क्योंकि उनको चीप पड़ रहा है, तो वो ज़्यादा लेना चाहेंगे। ज़्यादा लेंगे तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, इंडिया का इम्पोर्ट कम हो जाएगा। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से हम नेशनल इनकम बताते हैं, है ना, कि एक्सपोर्ट ज़्यादा तो नेशनल इनकम ज़्यादा, इम्पोर्ट ज़्यादा तो नेशनल इनकम कम। ठीक है, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इम्पोर्ट कम है, तो हमारी नेशनल इनकम ज़्यादा। ठीक है, ये इन दोनों से हमने डिराइव किया कि नेशनल इनकम हमारी हो गई ज़्यादा। हम इसको वो भी ले सकते हैं कि यहाँ पर हमारे नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, है ना, तो एक्सपोर्ट हमारे ज़्यादा, इम्पोर्ट हमारे कम। तो डेप्रिसिएशन के केस में ऊपर से ओवरव्यू लें तो अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है डोमेस्टिक करेंसी का तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। थोड़ा हाँ, आपको प्रॉब्लम में भी होगी, मेरे को भी होती थी इन चैप्टर्स में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो एक बार और इसको फिर से देख लेना, वीडियो को रिपीट करके सब क्लियर हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, इन चार के अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं आएगा। ये चार आपको बस समझ में आने चाहिए, क्योंकि मेरे को भी पहले कन्फ्यूजन होती है, न्यूमेरिकली तो बढ़ रहा है, वैल्यू वाइज कम हो रहा है, तो उसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। बस समझ में आना चाहिए, एक दो बार आप ये रिपीट करके देखोगे सारा क्लियर हो जाएगा। तब तक हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज़ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड होता है कि हम डिमांड करेंगे, हमको फॉरेन करेंसी दो। हम फॉरेन करेंसी क्यों मांगेंगे, जब हमको पेमेंट करनी है फॉरेन करेंसी में, है ना। अगर मैं यूएसए में कुछ सामान ले रही हूँ और मैं यूएसए में पेमेंट कर रही हूँ तो मैं रुपीज़ में थोड़ी ना करके आऊँगी, तो मैं बोलूँगी ना कि मेरे को डॉलर्स दो ताकि मैं पेमेंट कर सकूँ। तो दैट इज़ आउटफ्लो, हम पेमेंट कर रहे हैं तो दैट इज़ आउटफ्लो। डिमांड मीन्स आउटफ्लो ऑफ करेंसी, सप्लाई मीन्स इनफ्लो ऑफ करेंसी। ठीक है, अब इसमें ये 5 पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मैंने यूएसए से सामान इंपोर्ट किया तो मैं उनको पैसे दूंगी इन डॉलर्स। ठीक है, तो आउटफ्लो हुआ करेंसी का, मैंने डिमांड किया कि मेरे को पैसे दो और मैंने उसका आउटफ्लो किया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आउटफ्लो हो रहा है दैट इज़ डिमांड। तो इम्पोर्ट में पैसा गया। ठीक है, टूरिज़म, अगर हम यूएसए गए हैं घूमने, हमने पैसा दिया होगा उनको, खर्चे वर्चे होंगे वहाँ रहने वहने के। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, अगर हमने यूएसए को पैसे भेजे, वहाँ हमारा कोई फैमिली मेम्बर रहता है, उसको पैसे भेजे, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र किया तो पैसे गए, आउटफ्लो हुआ डिमांड। परचेज ऑफ एसेट, हमने यूएसए में लैंड खरीदी, हमने उनको पैसे दिए, पैसा गया, आउटफ्लो डिमांड। स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन होता है सट्टा, कि हमने डॉलर्स पे भी पैसे लगा दिए कि मे बी डॉलर्स की वैल्यू बड़ी हो जाए, तो हमने उनको पैसे दिए, आउटफ्लो हुआ, तो डिमांड। ठीक है, अब डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज रेट का ये ग्राफ है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। इनडायरेक्ट, प्लीज़ रिमेंबर दिस, फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। वाई, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो इम्पोर्ट कम हो रहा है, एंड इम्पोर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ डिमांड। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ा, इम्पोर्ट कम हुआ, इम्पोर्ट अ पार्ट ऑफ डिमांड, तो इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया ना, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, बस इतना समझने वाला है, बहुत सिंपल है। ये चीज़ें लिंक हो जाए ना तो सब समझ में आ जाता है। फिर आ जाता है हमारा सप्लाई, सप्लाई होता है इनफ्लो। आप डायरेक्टली इनको उल्टा कर दो तो सप्लाई के रीजंस हो जाते हैं, उसमें याद ही नहीं करना। इंपोर्ट का एक्सपोर्ट हो गया, टूरिज्म, टूरिज्म मतलब कि बाहर के लोग यहाँ पर टूरिज्म करने आए हैं, तो उसको ऑपोजिट करना है। यूनिलेटरल, कि बाहर के लोगों ने हमको पैसे दिए, यहाँ पर पैसे भिजवाए। देन परचेज ऑफ एसेट्स, कि हमने उनको सेल किया, या इसका वो भी हो सकता है कि बाहर की कंट्री वालों ने यहाँ पर परचेज़ किया। ठीक है, स्पेक्यूलेशन, कि मे बी यूएस में बैठे लोगों ने इंडिया के रूपी पे पैसे लगाए। ठीक है, तो इनफ्लो, इनफ्लो मतलब सप्लाई, आउटफ्लो मतलब डिमांड। अब इसमें होता है डायरेक्ट रिलेशन, फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन, ये भी देख लेते हैं क्यों। ये था डेप्रिसिएशन वाला केस। इसमें अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होता तो हमारा एक्सपोर्ट कम होता, एक्सपोर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ सप्लाई, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कम, एक्सपोर्ट कम, तो डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, सिंपल, आई गेस सबको समझ में आ गया होगा।